हो राजधानी राजधानी। आज सागरी रास्ते का डामरीकरण का काम शुरू किया है हमने। इस काम को हमने सन 2020-21 के आर्थिक बजट में जो गुरु शिष्य स्मारक है वहाँ से लेकर तो मोती नाला पुल तक के काम के लिए 4 करोड़ रुपए का निधि हमने मंजूर किया है। उसके बाद मोती नाला पुल से लेकर तो महेंद्रे तक इस काम के लिए हमने 2 करोड़ रुपए का निधि मंजूर किया है और 2 स्टेप में हम ये काम करने वाले हैं। उसी प्रकार से जो सागरी रोड पर लाइट और पथ दिवे नहीं है ऐसी शिकायत हमको आती थी, उसके लिए हमने 37 लाख रुपये का फंड महानगर पालिका को वर्ग किया है और जल्दी हम वहाँ पथ दिवे और लाइट लगाने वाले हैं। उसके बाद जो अगला टप्पा रहेगा हमारा, उसमें हमने अभी 21-22 के बजट में मोती नाला पुल का रुद्धिकरण करने के लिए 4 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं और वो मोती नाला का जो पुल है उसका रुद्धिकरण होने के बाद मैं समझता हूँ कि सागरी रोड का जो वाहतूक की जो समस्या है वो पूरी तरह से खत्म होने वाली है। भैया कल महापौर प्रदीप करपे ने ये रास्ते की पानी की है और ये उन्हें ये दिखाया वो काम सहयोगवाद का काम ये तुम्हारा है या उनका है? क्योंकि उनको फुकट का श्रेय लेने की आदत पड़ गई है और उनका काली मात्र संबंध ना होते हुए जबरदस्ती का केविल वाला प्रयत्न वो कर रहे हैं। इसके पहले भी मेरा एक जो विषय था नदी संवर्धन का, उसमें भी जबरदस्ती वो खासदार को उन्होंने श्रेय देने की कोशिश की। मैं आपको अभी बताना चाहूँगा कि कल ही मुझे आदित्य ठाकरे साहब के ऑफिस से फोन आया कि आपको जो पांजरा नदी संवर्धन का जो प्रस्ताव है उसको जल्दी से जल्दी भेजो, हमको उसकी आर्थिक तरतूद करनी है। और आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी ये जो बीजेपी के जो लीडर है इनके पास कुछ काम नहीं बचा है, ना तो इनके पास कुछ पैसा बचा है। 2 साल के अंदर महानगर पालिका की पूरी तिजोरी इन्होंने साफ करके रखी है। वो तो ठीक है, हमारी खुशकिस्मती है दुनिया के लोगों की कि ये महानगर पालिका की जो इमारत है उसको चाक नहीं लगे, अगर इसको पहिए लगे रहते तो ये नेता ये जो पिया यानी साखरी गुरु स्मारक शिष्य पासून ते साखरी रोड मोती नाल्यापर्यंत हा ज्या रस्त्याचा शुभारंभ सगळ्यांच्या उपस्थितीत केला, बाकी पत्रकारांना वाटलं असेल की काँग्रेसवाले MIM वाल्यांबरोबर कसं काय, मला एक सांगायचं आहे की महाविकास आघाडीने महाविकास आघाडी सरकार दुधाभाव करणारी सरकार नाही आणि महाविकास आघाडी ने त्यांना निधी दिलेली, ते जरी MIM पक्षाचे आमदार आहेत पण महाविकास आघाडीचे आपले अजितदादा पवार यांनी त्यांना 5 कोटीचा निधी 7 कोटीचा निधी दिलेला आहे आणि हे नक्की या सगळ्या काही लोक असं म्हणायचे की ते फक्त मुस्लिम एरियात कामं करतील पण तसं न करता त्यांनी सुरुवातच हिंदू एरियातनं केली आणि करोना काळातसुद्धा कोणालाच अक्कल आली नाही पण आमदारांनी ऑक्सिजन प्लांट साठी ह्या सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये भूमिपूजन केलं। मी त्यावेळेस बाहेरगावी होतो, आम्हाला सुद्धा बोलवलं होतं असं काम कोणाला सुचलं का, माझं असं म्हणणं आहे ज्याचं श्रेय त्यालाच द्यावं, त्यांची मेहनत आहे ते काम करताय, भले ते MIM चे असो ते काम करताय, तुम्ही जे काम करताय त्यांना फुकट फौजदारी कोणी करू नये, कोणी इकडे तिकडे चक्रा मारू नये, ज्याचं काम आहे त्यालाच श्रेय द्यायला पाहिजे आणि चांगलं काम चालू आहे तर चांगलंच वाटलं पाहिजे। मालेगाव मुस्तफा भंगार बाजार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में यहाँ पर कारपेट दिया जाता है।